दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं और यूनिफॉर्म हैं, ठीक है। तो अगर 2D ऑब्जेक्ट होगा, 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यूनिफॉर्म होगा, तो जो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला है, उसमें मास की जगह पर एरिया भी रखा जा सकता है। तो अगर मास नहीं दे रखा है तो a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2 फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, शर्त नहीं भूलना है, ठीक है। शर्त यह है यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो भैया सर्किल के एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर क्या होती है, रेडियस। और एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर बात कर दें, मैं बता दे रहा हूँ, देखो फिर ये नहीं कहना और रोने लगोगे तुम लोग कि जो है सर ने बताया नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो इसकी साइड कितनी है, आर है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। तो अब जो है इस फॉर्मूले में अगर हम बात कर लें, मान लेते हैं कि ये आपका m1 था और स्क्वायर जो था वो m2 था। कोऑर्डिनेट्स तो अपने को मिली गए हैं ना, तो कोऑर्डिनेट्स अगर अपने को मिली गए हैं तो m1 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, m1 को रिप्लेस कर दिया हमने पाई आर स्क्वायर से, और m2 को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, m2 को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, आर स्क्वायर से, क्योंकि m2 क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है, आर के इक्वल है। तो ये क्या हो गया आपका, आर स्क्वायर हो गया। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास a1, a1 क्या हमने माना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या था, जीरो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो पाई आर स्क्वायर इनटू जीरो प्लस, अगर बात की जाए पाई आर स्क्वायर इनटू जीरो प्लस दूसरे का एरिया कितना है, आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3r/2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, सॉरी जीरो प्लस क्या हो गया आपका, 3r³/2, ठीक, सॉरी एरिया, एरिया लिखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, आर स्क्वायर, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या था, a1 प्लस a2, भूल रहा था मैं भाई, ठीक, तो पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 3r³/2 डिवाइडेड बाई, ठीक लिख लो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इतनी चीज हो गई। बेसिकली इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज क्या है, कि आपको अगर यूनिफॉर्म 2D ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उनका मास नहीं दे रखा है, ये बोला जा रहा है सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, और यूनिफॉर्म है, तो जो अपना फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 था, तो उनमें मासेस की जगह हम क्या रख सकते हैं, एरिया रख सकते हैं। जैसे यहां पे एक सर्किल था और एक स्क्वायर था, एक सर्किल था और एक स्क्वायर था, तो सर्किल का एरिया हमने क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या रख दिया, आर स्क्वायर, क्योंकि आर इसकी साइड थी। तो ये जो फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 है, इसमें हम m की जगह पे एरिया रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 3D ऑब्जेक्ट होगा तो हम वॉल्यूम रख सकते हैं, ठीक, अगर दो 3D ऑब्जेक्ट होंगे तो इन मासेस को हम रिप्लेस करके क्या रख सकते हैं, वॉल्यूम रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर इतनी चीज सबको। बाकी ये तो इसके बाद तो इसमें कैलकुलेशन बचा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, इतना तो आपको समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बताए, इसी तरीके के मोस्टली जो सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के ही पूछे गए हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, और पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, आगे जो है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चा लोग, तो हम लोग इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।